हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीकेंड पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट प्रूटी लेक पर। असीम भाई, ये आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? अब ठीक है असीम भाई, अभी मजा आएगा। इधर पीड़ू, इधर कर, वही तरफ। ये सिर्फ एक ये ठीक बैठा हुआ, बाकी सारे बस कौन ठीक बैठना। हम इस्लामाबाद से बरी इमाम तक ऊबर पर आए हैं और अभी हम यहाँ से आगे पैदल हाइकिंग कर रहे हैं। के हमारा मुंह लाल कर दिया है। यार हमें कहते मेकअप किया है, मैंने मुझे क्या बताया? नहीं पता है संग पोई काम क्या बोले गालियां क्यों दे रहा है इंसानियत के नाते? बताता हूँ, ये दीवारें पेंट करना छूर दो, ये मजदूरों का काम है। दीवारें हम पेंट नहीं करेंगे, मजदूर बहुत काम शोर हो रहा है। मैं मजदूर ऐसे नहीं करता ना, वो ऐसे प्रॉपर ब्रश करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। दफा हो जाओ, हमारा तुम्हारा लिंक खत्म हो गया। नहीं भाई, मैं तो लिंक नहीं रहा हूं। बस भाई इधर आओ, मेरा दिमाग ये तो बिल्कुल मना आपका संपर्क हो जाए। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करता, बस इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया आप मुझे बताएं, क्या हो गया? इसको मैं कहते ये मुंह से ये जो गंदा गंदा चीजें फेंकते है, इसको ना फेंके ना। गुटका, गुटका वो बड़ा गुटका है, मावा है, पता नहीं क्या इसका, मुंह से गाली निकलेगा। अरे तो तुमने इसको क्या कहा? मैंने इसे कहा नसवार डालो, ये गुटकन बहुत गंदा चीज है। नसवार नसवार अच्छा चीज है, नसवार से थूक नहीं निकलता। थूक नहीं निकलता है तो उसका फायदा क्या है? नसवार उसका फायदा ये है कि तुम्हारा दीवार एक ही कलर का रहता है, ये लाल नहीं होता। और वो जो तुम लोग उस दिन कह रहा था कि हम नाला में पड़ा रहता है, वो क्या? वो नाला ऐसा था ना कि वो ऐसे खुड़ खुन तक चीज है बड़ा सा। अच्छा अच्छा, उसमें घास भी ना आते है, भैंस भी ना आते है, उसमें सब कुछ ना आते है। तो फिर उसमें नाता तो तुम क्या करते? ऐसा करो, एक नसवार डालो। अच्छा। और जाओ, तुम्हें कसम खुदे को बीच वाला फीलिंग नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल के। अच्छा, यार इस भाई ने तो डरा ही दिया, कहता कि अभी भी यहाँ से एक घंटा पैदल चलने का रास्ता है। तो अभी 40 सेगमेंट हमारे हो चुके हैं पैदल चलते हुए। देख के वलीद, किधर है मेंढक? चली गई, छुप रही है, छुप रही है। इसको फिर निकाल बैठ। यही किधर है? इस पत्थर के अंदर चली गई है। रास्ता तो अभी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन ये है कि यार जगह बहुत खूबसूरत है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद इस तरह से ये छोटी छोटी अक्षारे और पानी बहता हुआ आ रहा है। बड़ा प्यारी जगह है यार, खूबसूरत जगह। पैदल चल चल के थक के हूँ यार।
मैं कसम खुदे में भी इतना थक गया, ऊपर वो पानी देखना है मैंने। कौन सा पानी देखना है? टूटी है वाला? मारा टूटी है कि टूटी है पर मैंने देखना है। मेरे को मेरे दोस्त ने बहुत तारीफ किया था। क्या कहा उसने ब्रूटी लेक के बारे में? वो कहते हैं कि वहाँ से पानी बहुत तेज आता है। तेज आता है पानी? हाँ, तो मैंने कभी नहीं देखा तेज पानी, मैंने स्लो देखा है। तुमने स्लो देखा? चलो आज तुमको तो हम तेज पानी भी दिखाता है और साथ जो है तो ये ब्रूटी लेक का खूबसूरती भी दिखाता है। देखते हैं, अभी तक तो खूबसूरत ही खूबसूरत है, पर खूबसूरत इधर है नहीं। नहीं, खूबसूरत आगे है ना, आगे जगह खूबसूरत, लेकिन ये है कि वहाँ पर आगे 3,000 सीढ़ियाँ हैं। अल्लाह कसम से मुझे इतना तो मैं कभी केटू पे नहीं थका। तो केटू गया तुम? मैं गया था, वो देखो वो केटू है। किधर केटू है? वो देखो ना केटू। वो केटू नहीं है, वो सामने यही पहाड़ी है, ऐसा ही है। अच्छा, तो वहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी केटू में? हाँ, सीढ़िया वो सीधे ऐसे है ना, वो स्टूपा देखा है कभी? स्टूपा? हाँ देखा है, देखा उस टाइप का होता है माउंट एवरेस्ट। तो तुम उस पे सीढ़ियों से गया है? हाँ, मैंने ऐसे ऐसे छलांग मारा ऊपर चढ़ गया। छलांग मार के चढ़ा? हाँ। अच्छा। उस टाइम मेरे पास जान नसवार था। अच्छा, जान नसवार था। तुम अच्छा मेरी बात बताओ, ये तुम पेशावर वाले हर बात में नसवार को प्रमोट क्यों करते हैं? देखो नसवार देसी खुराक है। देसी खुराक है? देसी। ये सिगरेट क्या होता है? मुँह पे लगाओ दूंगा तू गपू को, ऐसे नहीं होता।